दोस्तों क्या होगा अगर हम अमेरिका, चाइना और इंडिया में बनी कार की सीट बेल्ट को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रख देंगे। ये तो हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोलिक प्रेस कितना ज्यादा पावरफुल होता है, ये पल भर में किसी भी चीज का कुचुंबर बना देता है। लेकिन अमेरिका, चाइना और इंडिया में से कौन सी सीट बेल्ट हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे टिक पाएगी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अमेरिका में बनी सीट बेल्ट को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखते हैं और दोस्तों जैसे ही हाइड्रोलिक प्रेस का वजन इस सीट बेल्ट पे पड़ता है तो लगभग 10 टन का वजन पड़ते ही ये सीट बेल्ट साइड से टूट जाती है। चलिए अब चाइना में बनी सीट बेल्ट को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखते हैं। हालांकि इससे कोई ज्यादा उम्मीद तो नहीं है, लेकिन दोस्तों इस बार तो चाइना में बनी सीट बेल्ट ने भी 10 टन तक का वजन सहन कर लिया। चलिए अब हमारे प्यारे देश भारत में बनी सीट बेल्ट को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखते हैं। उससे पहले सच्चे भारतीय इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में इनकलाब जिंदाबाद जरूर लिख दीजिए। और दोस्तों भारत में बनी सीट बेल्ट ने तो सबसे ज्यादा 12 टन तक का वजन सहन कर लिया।